सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रोजगार तथा बेरोजगारी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है और साथ ही बच्चा लोग हम ये डिस्कस करेंगे कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेरोजगारी के ऊपर आएं कि बेरोजगारी क्या होती है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन उसका टॉपिक पे जाएंगे। देखो, बेरोजगारी को समझने से पहले आप समझिए कि बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है। एक व्यक्ति है, मान लेते आपके नोन में भी कोई हो सकता है, जो काम करना चाहता है और काम किस पे करना चाहता है, प्रचलित मजदूरी दर पे। मान के चलते हैं कि अभी एक बंदा 500 रुपए पे काम करना चाहता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, 500 रुपए पर डे पर वो किसी के लिए जॉब करना चाहता है, काम करना चाहता है, इसे बोलेंगे प्रचलित मजदूरी दर। लेकिन इतने बोलने के बावजूद भी उसे काम ना मिले, वो काम करने को इच्छुक है लेकिन उसे काम ना मिले, तो उसे बोलेंगे, इस स्थिति को बोलेंगे बेरोजगारी। तो बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें योग्य एवं इच्छित व्यक्ति, क्या बोल रहा हूं, योग्य मतलब उसके शरीर ठीक है, वो काम करने लायक है, वो 15 साल से 60 साल के बीच में आता है। यह भी याद रखने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल का है तो उसे हम योग्य नहीं मानते, तो उसकी एज 15 से 60 साल के बीच है और इच्छित है, वो काम करना भी चाहता है। एग्जाम्पल के लिए आप अगर मान लीजिए 15 से ऊपर है लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, तो इस केस में आप इच्छित नहीं है, और इच्छित नहीं है तो आप बेरोजगार नहीं करेंगे। अदरवाइज आप 15 साल 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, और अगर आप काम करना चाह रहे हैं, देखो यहां पर तुम योग्य भी हो और यहां पर तुम इच्छा भी रख रहे हो, तो इस केस में तुम क्या कहलाओगे, बेरोजगार कहलाओगे अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, साथ ही प्रचलित मजदूरी दर, जो मार्केट में मजदूरी दर चल रहा है उस पर काम करना चाह रहा है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता, क्या बोल रहा हूं, उसे कार्य नहीं मिलता, तो जब उसे कार्य नहीं मिलता तो उसे हम बोलेंगे बेरोजगारी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बेटा पहले योग्य, ठीक है, दूसरा आया इच्छित व्यक्ति, और तीसरा पॉइंट आया प्रचलित मजदूरी दर। प्रचलित मजदूरी दर पे वो काम करना चाहता है लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, कार्य नहीं मिलता, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे भाई बेरोजगारी। अच्छा ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो कितने तरह का बेरोजगार हो सकता है, इसको हम बताएंगे, समझेंगे अलग अलग हिसाब से। देखो, सबसे पहले बेरोजगारी को अगर मैं बात करूं तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक ग्रामीण मतलब कि गांव में जो मिलती है, एक शहरी। तो ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सबसे प्रचलित जो बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। देखो, मान के चलो वहां पर जो गांव है ना, वहां की जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन वहां के लोगों को काम क्या मिलता है। अगर एग्जांपल ले ले, देखो जिनके पास अपने खेत है समझ आता है, उनके पास काम बहुत है, लेकिन जिनके पास अपने खेत नहीं है वो काम कहां से करेंगे, उनकी बात करते हैं। तो जिनके पास अपने खेत नहीं है वो किसी और के खेत में जाके काम करेंगे। लेकिन एक चीज समझो, मान लो कोई फसल को बोया गया है जनवरी में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जनवरी में बोया गया, जिसको काटा जाएगा मान लेते हैं अप्रैल में। अब वो तो जो खेत का मालिक है वो तो इंतजार करेगा, लेकिन जो लेबर है गांव की, उसे तो काम केवल बोने और काटने के टाइम पे, जब फसल को बोया जाएगा और काटा जाएगा तब मिलेगा, बाकी टाइम वो क्या करेगा। तो ऐसे टाइम पे जो गांव के मजदूर होते हैं, जब फसल खड़ी होती है, जब उनके पास और कोई काम नहीं है, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, जिसमें कुछ समय के लिए आपको रोजगार मिल रहा है लेकिन कुछ समय के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, सुना होगा आपने छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या था, ये छिप कैसे जाती है। देखो, तो छिपने का मतलब इस तरह से है कि सामने वाला देखने में तो ऐसा लगता है कि काम कर रहा है, उसके पास काम है, डेली जा रहा है, डेली आ रहा है, बट रियलिटी में उसे उस काम से उतनी इनकम नहीं हो रही है। समझो इसे कैसे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक खेत है, उस खेत के अंदर जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, उससे 2000 रुपए की इनकम आनी है। कितनी आनी है, एग्जाम्पल लो, जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं उससे इनकम आनी है 2000 रुपए की। अब अगर 2000 रुपए की इनकम आनी है तो अगर मान लो वहां पर काम भी कितने व्यक्ति का है, दो व्यक्ति का है, तो इस केस में होगा क्या, देखने को यह मिलेगा कि एक एक व्यक्ति को 1000-1000 रुपए मिलेगा एक दिन का काम करने का। लेकिन अगर वहीं पर उस जगह पर कितने लोग काम करने लग जाए, वहीं पर अगर 5 लोग काम करने जाए, तुम ही समझो जरा, अब 2000 में पहले दो व्यक्ति काम करते तो कितना मिलता पर हेड काट के, 1000 रुपए। लेकिन अब उसी काम को 2000 को 5 व्यक्ति करेंगे तो काम कितना मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। अब उसे उतना मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। तो ऐसे में यह लगता है कि एक ही काम को जिसे दो लोग निपटा सकते हैं, वो 5 लोग क्यों कर रहे हैं।
अब पांचों लोग मियां बीबी बच्चे सब खेत में जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सबके पास काम है, लेकिन रियलिटी में सबके पास इनकम नहीं है। तो ऐसी स्थिति जिसमें सबके पास काम हो लेकिन सबके पास इनकम सही ना हो, और क्योंकि लोग ज्यादा वहां पे एक काम करने के लिए, तो इस ऐसी स्थिति को बोलेंगे प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं शहरों की तरफ। शहरों में क्या देखने को मिलता है, शहरों में है एक सबसे उम्मीद औद्योगिक बेरोजगारी। उम्मीद क्या बोला मैंने, ग्रामीण क्षेत्र से लोग निकलकर शहरों में आ रहे हैं क्या करने, जॉब करने। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सो रहे हैं, उन्हें उद्योगों में जॉब मिल जाएगी क्योंकि यहां तो मिल नहीं रही है। अब दिक्कत ये हो गई है कि यहां पर जितनी मांग है, ठीक है, और जितनी पूर्ति हो गई है वो दिक्कत कर दी गई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पूर्ति ज्यादा हो जाएगी और मांग कम रह जाएगी तो देखने को ये मिलेगा कि लोग गांवों से निकलकर जब शहर में आए तो शहर में आकर ही बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो उद्योगों की तलाश में आए थे कि उद्योग में रोजगार मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, तो एक समस्या वाली बात है शहरी बेरोजगारी में। दूसरी एक शैक्षिक बेरोजगारी जिसका शिकार आप लोग हो सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, ट्वेल्थ पास हो गए, उसके साथ हो सकता है बीए करो या बीकॉम करो, एग्जाम्पल के लिए कॉलेज करो, उसके बाद बंदा ग्रेजुएट हो जाता है। इसे बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं ग्रेजुएट हो जाना। और ग्रेजुएट होने के बाद भी अब क्या होता है, लोग थोड़े से पढ़ लिख जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हर काम अच्छा नहीं है, कुछ छोटा काम है, मैं तो वही काम करूंगा जिसमें थोड़ी सी इज्जत हो। तो इस केस में वो कई सारे काम तो मना कर देते करने से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो कह रहा है कि तुम हलवाई बनोगे, कह रहा नहीं। तुम सफाई वाले बनोगे, नहीं। तुम एक काम करो घड़ी बनाओगे क्या, कह रहा नहीं। मैं इतना बड़ा होकर ये काम करूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो इस केस में देश में इन्हें बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, जो लोग क्या जाते हैं, एक ऑफिस की जॉब जाते हैं कि मैं जाऊं एक ऑफिस सुबह और शाम को आऊं, अच्छे खासे अच्छा बन के दिखूं। तो ऐसी जॉब को बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब नॉर्मली। तो ये जॉब तो कम है और करने के लिए जो लोग हैं हमारे पास वो ज्यादा है, तो उन लोगों को बोलते हैं शैक्षिक बेरोजगार। ठीक है, एक तो ये हो गया, आप समझ लेते हैं आगे की बेरोजगारी। ये तो मैंने बेरोजगारी बता दी। अब अन्य प्रकार की जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो यहाँ पर कुछ चार प्रकार की हैं। बेरोजगारी के प्रकार आज क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा बेरोजगारी के कारण और उनको दूर करने के उपाय और सरकार क्या कर रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो अन्य बेरोजगारी के प्रकार में एक है संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जब एक व्यक्ति एक कार्य छोड़कर दूसरे कार्य पे जाता है, मतलब एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब पे जाता है, तो उस समय में वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो इस समय की बेरोजगारी को बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, क्योंकि उस समय वो संघर्ष करता है। तो इसमें क्या करता है, जॉब चेंज करने से, जॉब टू जॉब, जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाता है तो उस केस में जितने समय के लिए बेरोजगार हो, चाहे वो 10 दिन के लिए हो चाहे वो 1 साल के लिए हो, उसे संघर्षात्मक बेरोजगारी बोलेंगे। उसके बाद आता है चक्रीय बेरोजगारी। अब ये चक्रीय बेरोजगारी क्या है, देखो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे चलनी चाहिए, कभी ऊपर चली जाती कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब अगर ऊपर चली गई तो उसका मतलब समग्र मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर नीचे आ गई है, मान लो यहां पर आ गई है, तो उस केस में समग्र मांग क्या है, कम है। अब जब हमारी समग्र मांग क्या होगी, कम होगी, तो आप देखने को यह मिलेगा आपको कि ऐसे केस में जब मांग कम है तो लोगों को सामान नहीं बिकेगा। तुम ही सोचो, तुम्हारी कोई दुकान है और तुमने 10 लेबर रखी हुई है लेकिन मार्केट में सामान नहीं बिक रहा है, तो अब लेबर को क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार या चढ़ाव की वजह से अगर जॉब जाती है, मान लो उतार में ज्यादा जाएगी, ऊपर होगी जब मांग बहुत ज्यादा होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, मान लो दिवाली का समय है, बहुत ज्यादा काम आ रहा है, तो उस केस में आप जॉब से थोड़ा हटाओगे, लेकिन उस टाइम जब काम कम आ रहा है जॉब से हटा दोगे। तो इस समय किसी की अगर जॉब गई तो उसे बोलेंगे चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, इसी के साथ अगर एक और डिस्कस करें संरचनात्मक बेरोजगारी, ये आता है तकनीक में सुधार से। अगर अर्थव्यवस्था में तकनीक क्या हो जाएगी बेटा, सुधर जाएगी। क्या, अर्थव्यवस्था में तकनीक अगर सुधर जाएगी तो उससे कुछ लोगों की जॉब चली जाएगी। मान लो कंप्यूटर के आने से कुछ लोगों की जॉब चली गई, कल बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो ऐसे अगर तकनीक सुधरती चली जाएगी तो कुछ लोगों की जॉब चली जाएगी, जिसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। और लास्ट ये सबसे सिंपल है, खुली बेरोजगारी। क्लियरली दिख रहा है कि एक व्यक्ति काम करना चाहता है, योग्य है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे खुली बेरोजगारी। ठीक है, और भी तरह की इसमें बेरोजगारी निकल के आ सकती है आपकी बुक में, बट मोटा मोटा आपको ये बेरोजगारी आपको याद रखनी है। कौन सी वाली, एक ऊपर वाली और एक ये वाली, इतना कर लेंगे तो आपका बेरोजगारी टॉपिक
रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।